हेलो नमस्कार सुप्रभातम, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जो है शिमला से थोड़ा सा दूर एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर है, जो कि ठीक हमारे सामने है, क्रेग नैनो नेचर पार्क, जो कि मशोबरा में स्थित है। हेलो, यस। तो अब हम चल पड़े हैं अंदर की ओर। तो आप देख रहे हैं, ये है मुख्य द्वार जहाँ से हमें अंदर जाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टिकट लेना है, परमिशन लेना है। तो ये क्रेग नैनो नेचर पार्क, जो कि मशोबरा में स्थित है, शिमला से सिर्फ 12 किलोमीटर आगे। तो ये हम चले अंदर। तो सबसे पहले तो अंदर जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो यहाँ से हम लेंगे टिकट। तो सबसे पहले तो हमें टिकट लेनी है, जो कि अंदर जाने का परमिशन के तौर पर। तो हम चले अंदर। हेलो हेलो, आज हम चले क्रेग नैनो। क्रेग नैनो यहाँ पहले से ही कुछ लोग आए हुए हैं। द वेदर इज कोल्ड एंड इट्स ओवरकास्ट कंडीशन आउटसाइड, बट आज हमें घूमना था। ये है सोनू गाल्टा, इन्हें बहुत शौक है घूमने का। इनके साथ है इनकी सहेली मंजू ब्राक्टा, इन्हें भी घूमने का ज़्यादा शौक है। ये है काजल, ये सभी घूमने के शौकीन लोग। आज आप पहुँचे हैं क्रेग नैनो और मुझसे मिलिए, मैं हूँ कैमरा मैन। अभी जो वातावरण है वो काफ़ी ठंडा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। ठंड बहुत है तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ है तो सब लोग मज़े भी कर रहे हैं। ठंड भी लग रही है और हम लोग सोच रहे हैं कि फटाफट अपना फ़ोटो खींच ले और घूम ले सारा, फिर हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अभी शायद बर्फ़ भी गिर सकती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे देखिए, ताकि आप इस डेस्टिनेशन पर आ सके, क्योंकि बहुत सुंदर है। और इस टाइम क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और हम जो है ठीक से भी वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, सभी को यहाँ पे आना चाहिए एक बार। तो we'll be right back.
भी देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर ढोल नगाड़े शहनाइयाँ वगैरह है, तो ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। पहले जब शादियाँ होती थी, कोई फंक्शन होता था, तो इस तरह से बजाए जाते थे ढोल नगाड़े और फिर लोग डांस करते थे, अब जो कि बहुत कम होता है। आज जो मेरे बाकी दोस्त हैं वो मज़े से फ़ोटो ले रहे हैं, ठंड इतनी है कि फ़ोन हाथ में उठा भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी फ़ोटो ले रहे हैं, और मैं हूँ जो आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। पार्क है, अब हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ऊपर जो आप देख पा रहे हैं वो है चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया है। तो जहाँ मैं अभी जो देख पा रही हूँ, वहाँ बच्चे नहीं बड़े भी खेल रहे हैं, तो हम भी जाएंगे। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप ज़रूर एक बार यहाँ पर विज़िट करें। आप जो है अपनी फैमिली ट्रिप बना सकते हैं, फ्रेंड के साथ आ सकते हैं और बच्चों को ले के आ सकते हैं, बच्चे तो यहाँ आके बहुत खुश हो जाएंगे। अब हम चल पड़े हैं और ऊपर की ओर, देखते हैं आगे और क्या क्या है। जब तक बर्फ अच्छे से नहीं गिर जाती तब तक तो खैर घूम ही ले। अभी जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो पहले की यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है, हवा चल रही है, धूप नहीं है, ठंड बढ़ती जा रही है और हम मज़े भी कर रहे हैं। डेस्टिनेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे आइए आइए, घूमिए फिरिए, मज़े करिए और खुश रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना पाऊँ। तो तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, बाय बाय।